है अस्थाई, एक तरह से आपने शुरुआत यहाँ से की और जान भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बसती है और यहाँ से आपकी सरकार को एक तरह से अब पूरा प्रशासनिक नियंत्रण आपकी सरकार के पास नहीं रहेगा। राज्यसभा में क्या इसके बावजूद आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से बात करें? आम आदमी पार्टी की जान दिल्ली वालों के दिल में बसती है और दिल्ली वालों के दिल में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्यार है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि लगातार उनको वोट देते आए। बीजेपी ने लाख कोशिशें करी पिछले 10 साल, हमारी शक्तियाँ छीनने की। कभी ऑर्डिनेंस ले आए, कभी बिल ले आए, कभी नोटिफिकेशन ले आए, कभी उपराज्यपाल को हम पे छोड़ दिया, न जाने क्या क्या किया, कई प्रकार की जांचें बिठा ली। लेकिन ये दिल्ली वाले हैं जो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को लगातार प्यार करते रहे और आशीर्वाद देते रहे। तो अब मुझे लगता है कि बीते 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो एक भी चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाई, ये उसकी भड़ास और उसकी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए ये दिल्ली वालों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने के लिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर उनको गुलाम बनाने के लिए ये कानून बीजेपी लेकर आई है। ये एक एंटी नेशनल बिल, इट इज़ एन एंटी नेशनल बिल। जो जो लोग इस राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन करेंगे उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा और जो जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे उन लोगों को राष्ट्रभक्त के नाम से ये इतिहास याद रखें। तो क्या आप सदन में आप एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जनता के बीच ही जाएंगे? किसी प्रकार का कोई सरेंडर नहीं है, पूरी लड़ाई लड़ेंगे सदन के भीतर और राज्यसभा में बहुत कांटे की टक्कर है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं लगभग उतने ही आंकड़े विपक्ष के पास भी हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट है, मजबूत लड़ाई होगी पूरी मुस्तैदी से। हम देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और मैंने पहले भी ये बात कही थी, फिर एक बार कहूँगा कि ये मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसमें धर्म हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, अधर्म बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में। और जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियाँ आपको जिताने में अवश्य लग जाती हैं और मेरा भी विश्वास है कि जब ये बिल मतदान पे आएगा तो अवश्य हम सब लोग इस बिल को गिराने में सफल होंगे।